बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार आवर जैकी इज़ नो मोर विद अस। आप ये कह सकते हो कि वो जिंदा तो है लेकिन बेचारा लंगड़ा हो गया। तो मैं आपको ये कहानी पूरी सुनाता हूँ शुरू से। कल की कहानी है ये। कल मैं उठा, बाहर देखा स्नोफॉल हो रही थी, मैं इंस्टाग्राम पे गया, वहाँ पर पोलिंग की कि स्नोफॉल का व्लॉग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो सब ने बोला यस बनना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ड्रोन को चार्ज पर लगाया, कैमरा चार्ज किया और व्लॉग शूट किया। उसके बाद कल के व्लॉग में एक सीन आया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो ज़रा यार, जुनेद बाहर चल के उड़ाते हैं मेरे ख्याल से। बहुत ठंड है बॉस भाई। अब मैं क्या बोलूँ अपने दोस्तों को। तो इसके बाद एक्चुअली हुआ क्या था वो देखो। एक बार फिर देखो, दोबारा देखो, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको हंसी आएगी यार। मतलब अनएक्सपेक्टेडली मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या है। अब कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि यार ये कुछ जगह थी उड़ाने वाली, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। मैं पिछले एक साल से ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूँ तो मतलब मुझे पता है मुझे इसको कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं करना। मतलब अगर आप ये कहते हो तो मैं ऐसे ही ड्रोन को फ्लाई करता रहा हूँ पिछले पूरा साल। कभी हाथ से पकड़ के विंडो के बाहर से उड़ा दिया, कभी इधर से उड़ा दिया, कभी वहाँ से उड़ा दिया, तो बहुत प्रैक्टिस थी। लेकिन कल अनएक्सपेक्टेडली आप समझ लें कि विंडो के बाहर था तो अचानक, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि पतंग कन्ना खा गई, गुड्डी कन्ना खा गई, तो वैसा हुआ। इट वॉज़ लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ। इट वॉज़ लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे गया बिल्कुल, इसकी हालत मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मुझे तो बस देखने का मौका ही नहीं मिला, देख तो रहा था, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे बिल्कुल, एंड मेरा दोस्त बेचारा मुझसे ज़्यादा परेशान तो वो था, कहता ओ तेरी ये क्या हुआ, ओ हैर ये वो। उसने क्या बोला था ये सुनो ज़रा। उसके बाद फिर हम रूम गए और बैठ कर फिर हम शुरू हो गए, यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्चुअली उसके साथ तीन मसले हुए, प्रॉपर तीन मसले हुए। पहला मसला ये कि उसके प्रोपेलर्स, एक ये प्रोपेलर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो प्रोपेलर्स टूट गए इसके। लेकिन इट वाज नॉट अ बिग डील, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे वो मैंने नए लगा लिए, इसको चारों फिट हो गए हैं। उसके बाद दूसरा मसला, ये जो पीछे लाइट्स लगी होती हैं इसके, एक दो तीन और ये चार, ये भी टूट गई है। लेकिन ये भी इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि मेन मसला होता है सॉफ्टवेयर का अंदर से कि वो उड़ता है या नहीं उड़ता। ओहो लग जा बॉस, क्या कर रहा है ये, फिक्स हो जाएगा, इसको मैं बाद में फिक्स कर लूँगा भाई, हो जा, हम लाइव हैं यूट्यूब पे, इज्जत का सवाल है। हाँ हो गया। दूसरा मसला ये भी ठीक हो गया। अब आता है मेन मसला, ये कैमरा होता है, और जिन लोगों को नहीं पता ये गिम्बल होता है एक्चुअली, जो वीडियो को स्टेबलाइज करता है। तो ये टूट गया अंदर से, तो ये मेन मसला। लेकिन चल ही रहा है, फ्लाई भी कर रहा है। तो लास्ट बात यार, मेरा एक इंडियन सीनियर था तुषार, हेलो तुषार इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, उसके पास भी सेम यही DJI स्पार्क था। तो अभी मेरे ख्याल से वो वापस इंडिया चला गया है ग्रेजुएट हो गए, तो उसका भी क्रैश कर गया था, सेम थिंग, ही वॉज फ्लाइंग द ड्रोन। तो वही पंजाबी वाला सीन के कन्ना खाया और गिर गया। लेकिन उसके पास आप कह सकते हो कि DJI केयर थी, वारंटी कार्ड, जिससे उसने ठीक करवा लिया था फ्री में। एंड ही वॉज टेलिंग मी कि अगर उसके पास कार्ड ना होता, वारंटी कार्ड ना होता, तो उसके लगने थे 1500 RMBs। तो मेरे पास भी था, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा जो वो वारंटी कार्ड था वो कहाँ पे है। एक्चुअली वो ना भी मिला तो इट्स ओके, मेरे ख्याल से मेरे ज़्यादा नहीं लगेंगे, 500 या 600 RMBs लगेंगे। लेकिन अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो हम दुआ कर सकते हैं जैकी के लिए, क्योंकि जैकी के साथ व्लॉग में 5 चांद लग जाते हैं, एक एक्स्ट्रा एज होता है यार, आप कोई भी जो है ना वो शॉर्ट लेकर डाल सकते हो व्लॉग में। तो एक कमेंट, एक दुआ फॉर जैकी, पता नहीं कब इसकी रिकवरी होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द, एंड इंशाल्लाह एज ऑलवेज
I will catch you guys tomorrow with next vlog. Allah Hafiz. Bye.